मैं मौजूद हूँ बासुकीनाथ चौधरी और रतन जी के साथ, जो सेव द ह्यूमैनिटी और लीलावती जो अस्पताल है उनके संस्थापक हैं। जो सेव द ह्यूमैनिटी है, जो संस्था है, उसके संस्थापक आकाश जी हैं और वो उनके पिता हुए बासुकीनाथ जी। तो चलिए उनसे जानते हैं यह संस्था कैसे काम करती है और कैसे जरूरतमंदों के लिए जो है आसानी से जो सुविधाएं होती है। यह जो संस्था है सिर्फ एक काम के लिए, सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं करते, इसमें जो वृद्धाश्रम है, मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त स्वास्थ्य है और अन्य जो है कई प्रकार की जो है समस्याओं को देखते हुए काम करते हैं। तो जुड़ते हैं बासुकीनाथ जी से। जी सर नमस्कार। नमस्कार। और ये जो आपकी जो संस्था है सेव द ह्यूमैनिटी और जो आज जो स्वास्थ्य कैंप लगा है, सर इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? ये सेव द ह्यूमैनिटी एक ट्रस्ट है, एक संस्था है जो भारत के कई राज्यों में ये फैला हुआ है। इनका कार्यक्रम चल रहा है गरीब जनों का जनहित कल्याण के लिए, ढेर सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें जैसे वृद्धाश्रम चल रहा है उत्तराखंड में, फिर मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में और दिल्ली के नोएडा में सेक्टर 115 में चल रहा है। इनके साथ साथ गरीब बच्चों का मुफ्त शिक्षा, अनाथ बच्चों के लिए क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, भोजन डिस्ट्रीब्यूशन, डांस क्लासेस, जितने भी एक्टिविटीज हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जहाँ तक कैंप लगाया जा रहा है। आज बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी बेगमपुर गांव में सेव द ह्यूमैनिटी नामक संस्था जो पिछले कई वर्षों से कार्यरत है, यहाँ फ्री चेकअप हेल्थ अपना वो डॉक्टर ए के गुप्ता के द्वारा करा रहे हैं, उनके साथ और सहयोगी डॉक्टर्स हैं। इसी उपलक्ष्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लीलावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना हुई है, जहाँ एक डॉक्टर बैठेंगे, एक नर्स बैठेगी और गरीबों को, जरूरतमंदों को मुफ्त दवाई वितरण होगा। सहयोग राशि मात्र 10 रुपये लिए जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी मैं बासुकीनाथ जी के साथ था और उन्होंने बताया कि यह संस्था कैसे काम करती है। 10 रुपये की एक मामूली फीस ली जाती है और यहाँ पे जो है आज के बाद से एक डॉक्टर, एक नर्स की उपस्थिति जो है हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए आपको मिलाते हैं उनसे जिन्होंने सेव द ह्यूमैनिटी जो संस्था है उस संस्था को, जो ग्रीन पूर्णिया संस्था है, उनसे मिलाने का काम किए हैं। तो चलिए मिलते हैं बम बम साजी से। तो बताइए कि यह जो संस्था है किस प्रकार से सेव द ह्यूमैनिटी जो है वो किस प्रकार से ग्रीन पूर्णिया से जुड़ी? देखिए सेव द ह्यूमैनिटी संस्था के जो संस्थापक के बाबूजी आदरणीय रतन बाबूजी जो थे, रतन चौधरी जी, जब उन्होंने अपना इतना महान कार्य के लिए मेरे पास अपना प्रस्ताव रखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तब मुझे अरबस्तु की याद आई कि भाई डॉक्टर ए के गुप्ता जी पूरे जिला ही नहीं पूरे सीमांचल में जनसेवा के लिए वो बिल्कुल समर्पित होकर के ग्रीन पूर्णिया की टीम को लेकर के पूर्णिया के सभी चर्चित चिकित्सकों के साथ गांव-गांव पहुंचकर जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको मुफ्त चिकित्सा परामर्श के साथ साथ उनको औषधि भी व्यवस्था करते हैं। तो मैंने मिलाने का काम किया है ग्रीन पूर्णिया के संयोजक डॉक्टर ए के गुप्ता और रतन चौधरी जी को, और जब हम लोग दोनों को जब मिलाए तो वहाँ पर यह प्रस्ताव आया कि बेगमपुर एक सुदूर देहाती क्षेत्र है, वहाँ पे जो है आम लोगों का मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया जाए। तो डॉक्टर ए के गुप्ता जी सर से स्वीकार किए और आज नतीजा इतना अच्छा है कि रतन सर का जो प्रयास रहा था हमारे पास पहल किया और रतन सर और डॉक्टर ए के गुप्ता जी को हम आमने सामने बात कराए तो फिर आज का माहौल देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। हाँ, माहौल तो काफी यहाँ पे लोगों की भीड़ सुबह से ही लगभग लगी रही। बहुत खुशी हो रही है कि जो प्रयास किया गया था वो बिल्कुल सार्थक और सफल रहा और हम प्रशंसा करते हैं संस्था के साथ साथ और ग्रीन पूर्णिया जो डॉक्टर ए के गुप्ता के नेतृत्व में चिकित्सक यहाँ सेवा करने आए हैं, बिल्कुल भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और काफ़ी सराहनीय कदम उनका रहा है और अब आगे भी इनका काफिला चलता रहा है। और डॉक्टर ए के गुप्ता जी का घोषणा है कि भाई अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं आप सीधा उनसे मिलिए, आपको सहयोग करेगा। और उसी सहयोग में हम लोग भी कस्बा से चल के यहाँ आए हुए हैं अपनी टीम के साथ। मैं बम्बम शाह जी। बम्बम जी एक और बात कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका जो यहाँ स्वास्थ्य कैंप में जो है ऑपरेशन लिख दिया जाता है, तो ऑपरेशन को लेकर के बहुत लोग हिचक जाते हैं कि क्या उनका इलाज ठीक से हो पाएगा या नहीं, उनको क्या सहयोग मिल सकता है ग्रीन पूर्णिया और सेव द ह्यूमैनिटी संस्था के द्वारा? देखिए अगर वो सक्षम नहीं है जी तो ग्रीन पूर्णिया के पास जाए एक संस्था के माध्यम से या फिर सीधा वो डॉक्टर ए के गुप्ता जी से मिले जी। आप निश्चिंत रहिए
कि डॉक्टर ए के गुप्ता उदार दिल के व्यक्ति हैं और इसलिए हम लोग उनका प्रशंसा करते हैं, उनके साथ चलते हैं और निश्चित वैसे असहाय लोगों को वो जरूर सहयोग करेंगे। क्या परिचय हुआ? जी बमबम साहब, जिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बैस महासम्मेलन जिला पूर्णिया। ये सिरप है, ये दो टाइम पीजिएगा, रेस्ट पीजिएगा, ये गैस वाला दवा है। अच्छा ठीक है, डेली एक तक खाइए और ये जैसे दर्द जब होता है हाँ। तो ये दर्द रहता है, ये दर्द ठीक है, ये एंटीबायोटिक है।